क्या गलती थी मेरी कि मैं एक स्त्री हूं? क्यों मुझे बहुत समझती है दुनिया? आखिर क्यों सारे दुख मेरे हैं? क्यों ये समाज एक स्त्री की सफलता को नहीं देख सकता? क्यों मेरे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की जाती है? आज मैं पूरी तरह से टूट गई हूँ। इन अत्याचारों को आखिर कब तक सहती रहूंगी? मैं भी एक इंसान हूँ, इस धरती पर रहने की उतनी ही हकदार हूँ जितना कि तुम सबको इस सृष्टि पर रहने का हक है। अगर ये समाज ये बात भूल गया है तो मैं बता दूं कि एक स्त्री ही होती है जो इस दुनिया में एक नई जिंदगी को जन्म देती है। अगर ये स्त्री ना हो तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। आज मैं आपको स्त्री के उस दर्द से वाकिफ कराऊंगी जिसे शायद इस समाज ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अगर जानने की कोशिश की होती तो शायद उसकी कदर करी होती, मगर तुम सबने स्त्री को मजाक बनाकर छोड़ दिया है। बहुत दुख होता है जब कभी ये सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि इस समाज को अपने बेटे के लिए बहू तो चाहिए मगर बेटी नहीं। अगर स्त्री एक कोमल सी बेटी को इस दुनिया में लाती, उसको नई जिंदगी देने की कोशिश करती तो ये जमाना ना जाने कितने सितम कर डालता। जब स्त्री को शिक्षित करने की बात आती तो ये जमाना कहता, ज्यादा पढ़ लिख के क्या होगा, आगे जाके अपना घर ही तो संभालना है। बेटा होता तो सोचा जाता। इतना कुछ होने के बाद भी हम सब कुछ सहते गए और आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर ये सफर आसान नहीं था। जब एक स्त्री अपने सपने को पूरा करने के लिए घर की दहलीज को पार करके आगे बढ़ती तो इस सफर में समाज के लोगों की गंदी नजर चैन से जीने नहीं देती। हर राहों पर कांटों भरा सफर तय करना और गलती से सफलता को हासिल कर लिया तो इस जमाने के लोगों का हमारी काबिलियत पर सवाल उठा देना, अगर हम मुस्कुरा दें तो समाज का शक करना, इतनी लज्जा को बिना शोर मचाए बस सहते जाना, क्योंकि अगर आवाज उठाई तो परिवार के संस्कारों पर उंगली उठा दी जाती। समाज क्या कहेगा, चार लोग क्या कहेंगे, घर की इज्जत को समाज के तानों से बचाने के लिए बस चुप रहो। और यही चुप्पी ने आज इस समाज के लोगों के हौसलों को बुलंदियां दी, जिसके चलते आज हम आए दिन निर्भया की खबर पढ़ रहे होते हैं अखबारों में। हैरानी होती है जब ऐसी खबरें हमारे सामने आती तो भी ये समाज अपनी सोच को बदलना नहीं चाहता। एक तरफ नारी को पूछने का दिखावा, वहीं दूसरी तरफ का वो चेहरा जो देखता पूरा समाज है मगर कभी भी सामने आकर हो रहे स्त्री पर अत्याचारों के लिए नहीं बोलता। हमेशा से ही एक स्त्री को पुरुष के आगे दबना पड़ता, छोटे में पिता, शादी के बाद पति और बुढ़ापे में खुद का बेटा। बस आज इस समाज में एक स्त्री का अस्तित्व यही रह गया है, बस सुनते जाओ सहते जाओ। क्यों नहीं अपनी सोच को बदलने की कोशिश करता है ये समाज? हमें भी चैन से जीना चाहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस सुकून से रहने दो। इस दुनिया में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, बस यही छोटे से सपने हैं। आज मैं एक स्त्री की आवाज बनकर आप सब तक उसके दर्द को बयां करना चाहती हूँ, इस उम्मीद से, इस आशा से कि साथ ही शायद ये समाज मेरी बात को समझेगा और एक स्त्री को वो इज्जत सम्मान देगा जिसकी वो वाकई हकदार है।